दो से विभाज्यता। दो का गुणज निम्नलिखित है, दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, अठारह, बीस और इसी तरह आगे, जो कि सम संख्याएं हैं। इनके इकाई के अंक दो, चार, छः, आठ, शून्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य, दो, चार, छः, आठ हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। अब हम इस नियम की जांच करेंगे। इसके लिए कोई संख्या डॉट 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 सी बी ए लीजिए। इसका विस्तारित रूप निम्नलिखित है, डॉट 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 धन 100C धन 10B धन A। यहाँ इकाई का अंक A, दहाई का अंक B तथा सैकड़े का अंक C है। 10, 100 और इसी तरह से आगे की संख्याएं 10 से विभाज्य हैं, जो 2 से भी विभाज्य हैं। अतः 10B, 100C और इसी तरह से आगे की संख्याएं भी 2 से विभाज्य होंगे। अब यदि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है तो A को भी 2 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब A बराबर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 9 और 3 से विभाज्यता। आपने 10, 5 व 2 की विभाज्यता की जांच के नियमों को देखा। क्या इनके नियमों में आपने कोई विशेष बात देखी? इनमें दी हुई संख्या के इकाई के अंकों के आधार पर ही इनकी विभाज्यता का निर्णय हो जाता है। 9 और 3 की विभाज्यता के नियम इनसे भिन्न हैं। कोई संख्या 3429 लीजिए। इसका विस्तारित रूप निम्नलिखित है, 3 × 1000 धन 4 × 100 धन 2 × 10 धन 9 × 1। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × कोष्ठक में 999 धन 1 धन 4 × कोष्ठक में 99 धन 1 धन 2 × कोष्ठक में 9 धन 1 धन 9 × 1 बराबर 3 × 999 धन 4 × 99 धन 2 × 9 धन कोष्ठक में 3 × 4 धन 2 × 9 बराबर 9 कोष्ठक में 3 × 111 धन 4 × 11 धन 2 × 1 धन कोष्ठक में 3 × 4 धन 2 × 9। हम देखते हैं कि दी गई संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी जब कोष्ठक में 3 × 4 धन 2 × 9 संख्या क्रमशः 9 या 3 से विभाज्य हो। यहाँ 3 × 4 धन 2 × 9 बराबर 18, जो कि 9 व 3 दोनों से विभाज्य है। अब एक अन्य उदाहरण पर विचार कीजिए। संख्या 3579 लीजिए। इसका विस्तारित रूप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × 1000 धन 5 × 100 धन 7 × 10 धन 9 × 1। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 × कोष्ठक में 999 धन 1 धन 5 × कोष्ठक में 99 धन 1 धन 7 × कोष्ठक में 9 धन 1 धन 9 × 1 बराबर 3 × 999 धन 5 × 99 धन 7 × 9 धन कोष्ठक में 3 × 5 धन 7 × 9। इसमें 3 × 5 धन 7 × 9 बराबर 24 है, जो 9 से विभाज्य नहीं है किंतु 3 से विभाज्य है। यदि कोई संख्या ए बी सी डी है तो उसका विस्तारित रूप होगा, 1000A धन 100B धन 10C धन D बराबर 999A धन 99B धन 9C
धन कोष्ठक में ए धन बी धन सी धन डी बराबर 9 कोष्ठक में 111 ए धन 11 बी धन सी धन कोष्ठक में ए धन बी धन सी धन डी 9 और 3 से विभाज्य। अतः 9 या 3 की विभाज्यता तभी संभव है जब उस 4 अंक की संख्या के सभी अंकों का योग कोष्ठक में ए धन बी धन सी धन डी क्रमशः 9 या 3 से विभाज्य हो। पहला, एक संख्या 9 से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। एक संख्या 3 से विभाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो।